तो कैसे हो भाई लोग। आज का जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पोको एक्स टू डिवाइस में अभी तक MIUI 12 का अपडेट नहीं आया है। तो उन लोगों को क्या अभी वेट करना चाहिए या किसी भी लिंक के थ्रू डाउनलोड करके MIUI 12 को कर लेना चाहिए। तो गाइस इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो के आगे और कुछ टिप्स देने वाला हूँ MIUI 12 के बारे में। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो कि मेरा पोको एक्स टू डिवाइस है इसके अंदर भी आप ही की तरह MIUI 12 का अपडेट मुझे देखने को नहीं मिला। मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, क्या पता अब आ जाए। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, MIUI 12 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, अब आ जाए। लेकिन गाइज सीरियसली मेरा यकीन मानिएगा, MIUI 12 अपडेट नॉर्मली तो मुझे नहीं मिला, मतलब नेचुरली तो मुझे नहीं मिला। लेकिन गाइज फिर मैंने किया क्या, एक OT अपडेट कर लिया। 800 MB की एक फाइल थी, लिंक के थ्रू मैंने MIUI 12 का अपडेट कर लिया। अब गाइज आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये OT अपडेट क्या चीज़ है और मैंने कैसे कर लिया और अपने फ़ोन में रिस्क होता है कि नहीं होता, मतलब फ़ोन को कुछ खतरा तो नहीं है इस OT अपडेट से। तो गाइज एक बार आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस OT अपडेट के बारे में। तो गाइज ये OT अपडेट ऐसा कुछ होता है, आपको एक एग्जांपल देके समझाता कि कंपनी वालों ने जो MIUI 12 को लॉन्च कर दिया लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए नहीं किया, अभी वो कर रहे हैं टेस्ट, सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं उसको और अच्छे से पूरा अच्छे से बना के डेवलप करके फिर वो लॉन्च करेंगे नॉर्मल यूजर के लिए। फिर आपको देखने को मिलेगा अबाउट फोन में जाकर के सीधा आप वहां से अपडेट कर सकते हैं। अभी वो टेस्ट कर रहे हैं इसलिए उन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस वही सेटअप मैंने डाउनलोड कर लिया जो ऑफिशियल लिंक पर दे रखा था कि भाई आप लोग भी ऑफिशियल अपडेट से पहले लुत्फ़ उठा सकते हो MIUI 12 का। तो मतलब आप लोग भी जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें भागीदारी ले सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। तो गाइस मैंने भी जो अपडेट से पहले ही अपडेट कर लिया। तो गाइस MIUI 12 अपडेट के बारे में आपको बता दूं, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप कर सकते हो। 800 MB की फाइल है, नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको, डाउनलोड करने के बाद सिस्टम पैकेज पर चूज सिस्टम पैकेज पर क्लिक करना है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, आपका फ़ोन और स्मूथ होने लगेगा। गाइज आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ट्रस्ट मी गाइज यार, जो MIUI 12 अपडेट करने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है ना वो कमाल का मिल रहा है। बैटरी में कोई इश्यू नहीं है लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो एक्चुअल है ना वो MIUI 12 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही स्मूथ होने वाला है, बहुत ही ईजी टू यूज़ होने वाला है, क्योंकि यार इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ें यूज़ करी है। पहले टेक्सचर में लिखी आती थी सेटिंग्स, अब वहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स यूज़ करी है। गाइस काफ़ी सारे नए नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं MIUI 12 के साथ। और गाइस अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है वॉलपेपर के लिए पर्सनल। अगर कुछ और एग्जांपल लूँ तो आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है, पहले आपको केवल बैटरी सेवर देखने को मिलता था, अब आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर का मोड देखने को मिल जाता है। एंड काफ़ी सारे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है वॉलपेपर से रिगार्डिंग, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, आपको ईजी टू यूज़ लगेगा मतलब फ़ोन। तो वैसे मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लो, लिंक के थ्रू कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ यार, MIUI 12 अपडेट कर लो, आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होने वाला है, बैटरी में कुछ इश्यू नहीं होने वाला। तो गाइस यार आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पोको फैन है तो पक्का लाइक करके तो जाना यार वीडियो को। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।